रहमतुल्लाहि बरकातु। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में 11th इकोनॉमिक्स को देखने जा रहे हैं। क्लास हमारी 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर हमारा 1.1। वन मतलब पहला चैप्टर और 0.1 यानी कि पहले चैप्टर का पहला वीडियो। और जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स, यानी कि माशियात के बुनियादी तसव्वुरात। अब माशियात के मानी क्या है, उसका मतलब क्या है ना, उसकी खसूसियात क्या है, क्यों ज़रूरी है, या हमारे ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स क्या है, उसको समझने के लिए हमें तो इस सबक में तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि 12वीं में आपको थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर को 11वीं में अच्छे समझेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ है तो सिलेबस के हद तक नहीं समझेंगे, उसको हमारी अमली ज़िंदगी में किस तरह लाना है उस नियत से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अजीज़ तलबा तालिबात, अब हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स जो का तारुफ़ यानी कि इंट्रोडक्शन को देखना है। अब देखिए, आज के दौर में, आज के जदीद दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की, इतनी तरक्की की है कि हम जिसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते। पहले इंसान क्या था और आज क्या है, हमको भी मालूम है, आपको मालूम, इसलिए हम इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आ जाइए हम हमारे पॉइंट पर कि साइंस जो होती है, हम साइंस को क्या कहते। अब साइंस यानी कि ऐसा इल्म जो तजुर्बात या मुशाहदात के ज़रिए सच्चाई के साथ में वाज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गुब्बारा है और एक धागा है, अब हमें ये मालूम करना है कि हवा वज़न रखती है या नहीं रखती, हमको ये मालूम करना है। तो हवा का दबाव होता नहीं होता, इसके लिए साइंस क्या करेंगी, इसके लिए तजुर्बा करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक धागा लेंगी और एक गुब्बारा लेंगी, उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नापेंगी उसको, उसका वज़न, और नापने के बाद मालूम ही होता है कि ये 6 ml इसका वेट है, इसका वज़न है। फिर बाद में क्या करेंगे, उसमें उस गुब्बारे में हवा भरी जाएंगी, अब उस गुब्बारे को धागे से बांधा जाएगा और फिर उसका तो वेट किया जाएगा, तो आएगा उसका मिसाल के तौर पर समझो 10 आ जाएगा। अब 10 उसका आ जाता है, तो पहले कितना था बग़ैर हवा के, 6, और हवा के कितना हुआ 10, तो मालूम किया कि कितना बढ़ गया, 4 उसका वेट बढ़ गया, 4 ml उसका वेट बढ़ गया। अब 4 जो वेट बढ़ गया उसका, इसका मतलब क्या होगा कि हवा वज़न रखती है, ये तजुर्बे के ज़रिए हमको मालूम होगा। तो साइंस ऐसा ही क्या करती है, हर चीज़ के बारे में तजुर्बा करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, और सच्चाई के साथ में उसको लाती है, उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब साइंस जो है, इसके साइंस के दो शाखें यहाँ पे, साइंस जो है इसकी दो किस्में बताई गई। अब किस्में क्या है, कुदरती साइंस यानी कि नेचुरल साइंस, और दूसरा सामाजिक साइंस यानी सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस है। तो अब कुदरती जो साइंस है यानी कि नेचुरल यानी कि कुदरती साइंस, अब कुदरती साइंस और हम जिसको कहते हैं और सामाजिक साइंस। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, सबसे पहले हम देखें नेचुरल साइंस कैसे कहते हैं, नेचुरल साइंस कहते किसे कहते हैं। अब नेचुरल साइंस यानी कि ऐसी साइंस होती है जो कि सारी दुनिया में अगर कुदरती चीज़ों पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजुर्बे गांव में ले जाकर अगर उसका हम तो तजुर्बा करेंगे, तो उसका नतीजा एक ही आता है। सारी दुनिया में कुदरती चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने पर नतीजा एक ही आता है, तो ऐसे साइंस को हम कुदरती साइंस या नेचुरल साइंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान के जिस्म का अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पूरे इंसान दुनिया के उनका है तो रिज़ल्ट एक ही आएगा, है ना। जैसे कि हम रियाजियात है और फलकियात है, ये जो इल्म है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इसका भी एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे तो सारी दुनिया में इसका भी इल्म क्या होगा, एक ही होगा। तो ऐसा इल्म जो नेचुरली हो और उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद तमाम के जो नतायज है, रिज़ल्ट कैसे हो, एक हो, सेम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। अब नेक्स्ट है सामाजिक साइंस यानी सोशल साइंस। अब सोशल साइंस किसे कहते हैं, यानी कि इंसान के ज़िंदगी के जो बढ़ता होता है, इंसान का बिहेवियर जो होता है, हर दुनिया में हर इंसान का बिहेवियर कैसा अलग अलग होता है, हर एक के नज़रियात क्या होते हैं अलग अलग होते हैं।
तो सारी दुनिया में जितने इंसान होंगे, हर इंसान के नज़रिया, सोच, समाज, साइकोलॉजी कैसी होती है, एक दूसरे से टेंडेंसी अलग अलग होती। इस वजह से तो क्या होता है, इस वजह से सामाजिक साइंस में है तो क्या होता है, हर एक के जो तजुर्बात है, मुशाहदात कैसे अलग अलग होंगे। पहले कैसा कुदरती साइंस में सबके सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसा सबके अलग अलग होंगे। इसलिए हम सामाजिक साइंस यानी समाज का मुताला करना, यानी समाज के लोगों के बारे में मालूम हासिल करना, किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, कैसा रहना है, क्या है, हर एक के नज़दीक अलग अलग इसका तजुर्बा होता है। तो ये साइंस जो होती है, दो तरीक़े की यहाँ पर किस्में बताई गई। अब हमको ये देखना है कि साइंस जो है, हमने साइंस के बारे में देख लिया है, अब इसमें ये देख रहे हैं जा रहे माशियात का मफहूम क्या है। अब माशियात का जो मफहूम है, यानी कि साइंस क्या करती है कि साइंस में मुख्तलिफ शोबे आते हैं, सियासियात, समाजियात, माशियात, ये है ना, तमाम को मिलाकर साइंस क्या करती है, उसके बारे में मुताला करती है, क्यों, क्या, कैसे, है ना, हर चीज़ के बारे में क्या करती है, वो मालूमात हासिल करती है ना। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि माशियात का मफहूम यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, माशियात अंग्रेजी लफ्ज इकोनॉमिक्स, एक ग्रीक लफ्ज ओइकोनोमिया, कौन सा, ओइकोनोमिया से लिया गया। माशियात को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इकोनॉमिक्स ये जो ग्रीक लफ्ज, जिसको हम यूनानी लफ्ज कहते हैं, ग्रीक या यूनानी लफ्ज ओइकोनोमिया से लिया गया। अब ओइकोनोमिया के माना क्या होते हैं, इसके माना होते हैं घरेलू इंतज़ाम, यानी कि घर के क्या होते हैं, काम काज होते हैं, घर के क्या होते हैं, काम काज होते हैं, उसको हम घरेलू इंतज़ाम कहते हैं। जैसे कि घर में तो रोज़ाना का कितना खर्च होता है, माहाना कितना खर्च होता है, उसका जो माहाना घर में रोज़ाना होने वाले जो अखराजात जो होते हैं, उसका हिसाब किताब ही हम उसको माशियात कहते हैं। अब माशियात जो है, पॉल सैमुएलसन के मुताबिक माशियात क्या है, सामाजिक साइंस। पॉल सैमुएलसन के मत क्या है, माशियात जो है समाजत की क्या है, मलेका है। किसकी है, इसने क्या क्या, इसने ये कहा कि सामाजिक साइंस की मलेका है, माशियात जो है सामाजिक साइंस की क्या है, मलेका। सामाजिक साइंस की क्या है, माशियात मलेका है। यानी कि समाजियात में हम देखें, समाज में है तो मुख्तलिफ किस्म के शोबे होते हैं, सियासी, समाजी, माशी, तहजीबी, मज़हबी, इंसान के इंसान को मुख्तलिफ शोबों से उसका वास्ता होता है, और इंसान की अगर माशी हालात अगर बेहतर होंगी तो दीगर ज़रूरियात को भी, शोबों को भी बेहतर तौर पर करेगा, और माशी तौर पर अगर कमज़ोर रहेगा तो दीगर शोबों को यानी दीगर कामों को सही तौर पर नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सैमुएलसन ने कहा कि माशियात जो है क्या है, तमाम क्या है, सामाजिक साइंस की क्या, मलेका। समझ में आई बात, ठीक है। अब इल्म माशियात जो है, हम माशियात देख रहे हैं, इल्म जो माशियात यानी माशियात किसको कहते हैं, है ना, माशियात यानी कि माशी बर्ताव का सुलूक, किसका, इंसान के माशी बर्ताव के सुलूक को हम क्या कहते हैं, इंसान के माशी, देखिए इंसान के माशी बर्ताव का सुलूक है तो क्या होता है, माशियात होता है। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तो माशियात का इस्तेमाल कैसा करता है, कहाँ पैसा ख़र्चा करना चाहिए, कहाँ पैसा ख़र्चा नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सारी चीज़ें है ना, माशियात इंसान को है तो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को ख़र्च करने की सही तरतीब देता है, उसको हम माशियात कहते हैं। जैसा कि लामहदूद ख्वाहिशात महदूद ज़राए में, यानी कि इंसान के लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए में करना, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स के पास है तो 10,000 रुपये, और वो अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात को है तो पूरा करना चाहता है, जो कि 20,000 रुपये में होती है, तो 20,000 रुपये में वो अपनी है तो 20,000 रुपये वाली ख्वाहिशात को वो 10,000 रुपये में क्या करेगा, पूरी करेगा। यानी कि क्या कहेंगे हम, लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए में पूरा करना, इसी का नाम क्या है, माशियात है। समझ में आई बात, हम देख रहे हैं आज के लॉकडाउन के दौर में, लोग जो अपनी ज़रूरत होती थी 30-40 हज़ार रुपये की, आज वो है तो इनकम कम होने की वजह से कम ही ज़राए में अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात को
पूरा कर रहे हैं। माशियात इसको कहते हैं। अगर हम माशियात को अगर सही तौर पर समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये बहुत कारामद होगा, है ना। तो ठीक है, हमने इतना मुख्तसर इसमें समझे है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।